मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9-01-701 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं बॉलीवुड की एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे डेविड धवन द्वारा निर्देशित सुपरस्टार वरुण धवन सर के फिल्म मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मैं तेरा हीरो मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े अननोन फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात करें, इस फिल्म का डायरेक्टर डेविड धवन ने किया था और इस फिल्म का लिखी तुषार हिरंदानी ने इस फिल्म का लिखे थे, जबकि फिल्म का कहानी तुषार हिरंदानी ने बनाई थी और इस फिल्म का प्रोड्यूसर शोभा कपूर एकता कपूर ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में वरुण धवन, इलियाना डिक्रूज, नरगिस फाखरी जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करें, इस फिल्म का संगीतकार साजिद वाजिद द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफी लोकप्रिय रहा था। और मैं तेरा हीरो मूवी का उत्पादक कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित रमेश सिप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया था। 4 अप्रैल 2014 में रिलीज हुई मैं तेरा हीरो मूवी का समय सीमा 1 से 28 मिनट की बनाई गई थी और इंडिया में रिलीज किया गया था और हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में 29 करोड़ का बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 78 करोड़ का किया था। ये फिल्म ने कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं तेरा हीरो डेविड धवन द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर के बैनर तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 में आई तेलुगु फिल्म कंदी रीगा की रीमेक है और फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज है। फिल्म के लिए प्रावधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई और फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद उर्व सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिप्टे कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सीनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना
प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्त की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी शहर की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014 हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017 डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018 डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सन्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सीएनएन आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों
तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उसने और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रादापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्त बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को करण जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने 1.11 मिलियन की कमाई की। यूएस 15 मिलियन दुनिया भर में कलेक्शन किया था। 2011 में आई तेलुगु फिल्म कंदी रेगा की रीमेक है और फिल्म में नरगिस फकरी, वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई और फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद उर्व सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिप्टे कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वह
रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्त की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह
वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन US 14 मिलियन की कमाई की और उसने और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्मफेयर की रेदिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को करण जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनु टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें
उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी शहर की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हमपट्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सीएनएन आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में
यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक हुआ और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद और वो सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सीनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन। वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और
ठीसन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018, डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए 2 फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसने इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और डेविड धवन और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर के इनकी करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था। और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी
नंदिनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सिनू की योजना बेंगलुरु के टिप्टे कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अगंध की साइगाइड और दोस्त की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत
2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सीएनएन आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्ने में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्त बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित लेखक के पिता को अगंध की साई गाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सै की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया
और बाद में 2012 में और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018, डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला। और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और डेविड धवन और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर के इनकी करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन्हें से 85 और सिरदर्द और संदा जली
संध्याजलि के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था। और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी आइसक्रीम उपस्थिति की प्रशंसा की। और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे। और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में इस फिल्म ने कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं तेरा हीरो डेविड धवन द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर के बैनर तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 में आई तेलुगु फिल्म कंदी रीगा की रीमेक है और फिल्म में नरगिस फकरी, वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई और फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद और वो सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिप्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सीनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने
उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की। शुरुआत के वो रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018, डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और डेविड धवन और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर के इनकी करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन US$14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्ने में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवदीत लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी
अंपटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है, और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को करण जौहर फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था, और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की, और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे, और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी, और जिसने 1.11 मिलियन की कमाई की। US 15 मिलियन और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई, और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद उर्व सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है, और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है, और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है, और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं, और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है, और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है, और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सीनू टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है, तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है, और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है, और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सह की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अभिनय किया है, और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना
अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018, डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसने। इसके बाद उन्होंने तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा और डेविड धवन। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर के, इनकी करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन US$14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और
सिरदर्द और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था। और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की। और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे। और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी, और जिसने करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सै की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है। और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला। और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है। और सीएनएन आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह
वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उसने और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्ने में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया। वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सिनु गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सिनु की योजना बेंगलुरु के टिप्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनु टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अगंध की साइगाइड और दोस्त की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था।
दोस्तों अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन। वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वो रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पट्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सीएनएन आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्टि आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग का
टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है। और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को करण जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था। और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की। और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे। और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में समाप्त कर लेता है। तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अगंध की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सह की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है। और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014 हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017 डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018 डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला। और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने
2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यक था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्टि आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने 1.11 मिलियन की कमाई की यूएस दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सिनु गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सिनु की योजना बेंगलुरु के टिप्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन
ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनु टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अगंध की साइगाइड और दोस्ती की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज़ खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हमपटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और
और CNN IBN के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन US 14 मिलियन की कमाई की और उसने और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्ने में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीति फिल्म को करण जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदी और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने 29 करोड़ का बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 78 करोड़ का किया था। इस फिल्म ने कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मैं तेरा हीरो डेविड धवन द्वारा निर्देशित और बालाजी मोशन पिक्चर के बैनर तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह 2011 में आई तेलुगु फिल्म कंदी रीगा की रीमेक है और फिल्म में नरगिस फकरी, वरुण धवन और इलियाना डिक्रूज है। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई और फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म 4 अप्रैल 2014 को समीक्षकों से मिलीजुली समीक्षा के लिए रिलीज हुई और हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म की कहानी ऊटी के कॉलेज के पास श्रीनाथ प्रसाद उर्व सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से सफल हो जाता है और डिग्री प्राप्त करने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अपहरण कर लेता है और अपने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक देने की मांग करता है। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है और लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशा करते हैं और सीनू की योजना बेंगलुरु के टिफ
बेंगलुरु के टिप्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है और वह ऊटी से बेंगलुरु के लिए जाने वाले ट्रेन में निकलता है और ट्रेन में वह किशोर लड़कियों के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले एक गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलुरु आता है तो वह रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। एक बार सिनु टिप्स कॉलेज में आते ही कृष्णा से प्रार्थना करता है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। हालांकि एक बार वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अगंध की साइगाइड और दोस्त की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पट्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है।
बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रादापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्मफेयर की रेदिता टंडन ने धवन की कॉमिक टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह गोराडिया नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर की शुरू किया।
और बाद में 2012 में और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की। शुरुआत के वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018, डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला। और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसने इसके बाद उन्होंने तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और डेविड धवन और बात करें दोस्तों डेविड धवन की कैरियर के इनकी कैरियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्म फेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभुदेवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है। और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदर्द और संदा जली
संदाचारी के रूप में वर्णित किया गया था, जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने 1.11 मिलियन की वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसकी अपेक्षा करती है और वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी नाम के एक भ्रष्ट पुलिस कर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसने उसके पिता को अंगद की साइगाइड और दोस्ती की पीट पीट कर वहां बाकी गोली मारने के लिए धोखा दिया था। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को भारतीय अभिनेता है और जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में चित्रित किया गया है। उन्होंने 2012 और 2018 के बीच लगातार 11 बॉक्स ऑफिस सफलताओं में अनुभव अभिनय किया है और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बेटे उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधक का अध्ययन किया। उन्होंने माय नेम इज खान 2010 और करण जौहर के सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरू किया और बाद में 2012 में करण जौहर के किशोर नाटक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ अभिनय की शुरुआत की। वह रोमांटिक कॉमेडी में मैं तेरा हीरो 2014, हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया 2014 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता से उभरे। एक्शन कॉमेडी दिलवाले 2015 और ढीसुन 2016 और जुड़वा 2 2017, डांस फिल्म एबीसीडी 2 2015 और नाटक सुई धागा 2018। डेविड धवन को थ्रिलर बादलपुर 2015 में बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए दो फिल्में फेयर पुरस्कार के लिए प्रशंसा और नामांकन मिला और नाटक अक्टूबर 2018 में हर का सामना करने वाला एक लक्ष्यहीन व्यक्ति को इसके बाद उन्होंने 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताओं में अभिनय किया जिसके एक झटका लगा। और बात करें दोस्तों डेविड धवन की करियर की शुरुआत डेविड धवन ने 2012 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभिनय की शुरुआत की। वह एक अमीर व्यवसायी के किशोर बेटे रोहन नंदा के रूप में आवश्यकता था और जो अपनी प्रेमिका सान्या भट्ट और सबसे अच्छे दोस्त अभिमन्यु सिंह मल्होत्रा के साथ एक वार्षिक स्कूल चैंपियनशिप जीतने के लिए प्रशंसित करता है। बॉलीवुड हंगामा के लिए समीक्षक तरण आदर्श ने धवन को एक ऐसी प्रतिभा के रूप में पाया जो मदद नहीं कर सकता लेकिन चमत्कार कर सकता है और सी एन ए सी एन एन आई बी ए
आईबीएन के राजीव मसंद ने कहा कि वह वरुण धवन जो एक आत्मविश्वास आकर्षक मोड के साथ बाहर खड़े हैं और जो निपटाने में सक्षम है और हास्यपूर्ण और कमजोर दोनों तरह के दृष्ट आसानी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 1.9 मिलियन यूएस 14 मिलियन की कमाई की और उसने और उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मफेयर और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राध्यापन नामांकन दिलाया। स्क्रीन से एक साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद वरुण धवन ने फिल्म में दिखाई दिए और जन्मे में ही पहली रोमांटिक कॉमेडी मैं तेरा हीरो 2014 थी जो तेलुगु की फिल्म कंदी रेगा की रीमेक थी जिसे बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और उनके पिता द्वारा निर्देशित किया गया था। डेविड धवन उन्होंने एक तेजार्थ बाबा की भूमिका निभाई जो एक प्रेमी त्रिकोण में शामिल है और फिल्मफेयर की रेदिता टंडन ने धवन की टाइमिंग की सराहना की और उनकी तुलना गोविंद और प्रभु देवा से किया है और यह फिल्म दुनिया भर में 780 मिलियन की भारतीय रुपए की कमाई करने वाली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और इसके बाद डेविड धवन ने एक चुलबुले पंजाबी लड़के की भूमिका निभाई जो नवोदित लेखक निर्देशक शशांक खेतान की रोमांटिक कॉमेडी हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक व्यवसाय पंजाबी महिला के साथ रोमांटिक संबंध रखता है और भट्ट की सह अभिनीत फिल्म को करण जौहर द्वारा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1985 और सिरदर्द और संदा जली के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने निर्माता के रूप में काम किया था और इंडिया टुडे के रोहित खिलानानी ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की प्रशंसा की और मिंट में नंदनी रामनाथ ने उल्लेख किया कि वह फिल्म के कुछ शांत दृश्य में कितने अलग थे और हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय प्रस्तुतियों में से एक के रूप में उभरी और जिसने 1.11 मिलियन की कमाई की यूएस 15 मिलियन दुनिया भर में कलेक्शन किया था।